जिला प्रभारी समीर सिंह जी, जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जी, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी जी, रवि सोनकर जी, और यहां पर भारी संख्या में उपस्थित बस्ती के मेरे सभी युवा साथियों, मैं आप सबकी ओर से सबसे पहले तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, जिनकी रणनीति और जिनकी अगुवाई में संगठन ने ये प्रचंड विजय प्राप्त की है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के उत्तर प्रदेश आगमन के अवसर पर उनका बस्ती की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत जिसमें 142 करोड़ लोगों को गौरव के साथ आगे बढ़ने और बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। चेहरा देख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, वंचित, पिछड़ा, महिलाएं, युवा, इन सभी को शासन की योजनाओं में भागीदार बना करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का जो कार्य पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला है। और यह हम सब जानते हैं कि जब मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता आई थी, तब ये देश दुनिया की 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। और ये हमारा सौभाग्य है, एक यशस्वी नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। जिस गति से भारत बढ़ रहा है, आने वाले 3-4 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ हर भारतवासी को जुड़ना है। हर भारतवासी जुड़ेगा तो अर्थव्यवस्था की मजबूती होने का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली आना, हर एक के जीवन में परिवर्तन आना, और इसी का परिणाम है। बस्ती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष संबंध है। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं ना, ये मेडिकल कॉलेज तभी आपको प्राप्त हुआ था जब माननीय नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मंत्रालय के मंत्री थे। आप सोचिए, बस्ती में कोई मेडिकल कॉलेज की बात सोच सकता था? लेकिन भाइयों बहनों, गोरखपुर में एम्स हो या फिर बस्ती का मेडिकल कॉलेज, ये सभी नड्डा जी की देन है। और भाइयों बहनों, इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के समाधान के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उनका विजिट हुआ था। वे चिंतित थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने प्रभावी कार्य योजना बनाई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अध्यक्ष जी, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप ये बीमारी जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 बच्चों को निगल लिया था, आज उस बीमारी को हम पूरी तरह नियंत्रित करके उसका उन्मूलन कर चुके हैं। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपके द्वारा दिए गए योगदान की महती भूमिका है। इस अवसर पर भी मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, एक खेलकूद महाकुंभ प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे आए थे,
और ऐसे ही खेलकूद महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े थे। अलग अलग प्रतियोगिताएं चल रही थी और प्रत्येक प्रतियोगियों में वहां पर प्रधानमंत्री जी उनको मिले थे। यह हमारे युवाओं को अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने और अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करने का एक अवसर प्रदान करता है। और जहां इसके लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने इसे प्रोत्साहित किया है, वहीं साथ ही साथ हरेक जनपद में एक एक सेंटर खेल के लिए बनाने की कार्रवाई भी आज भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश की आबादी की सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश कैसे इसमें पिछड़ सकता है। उत्तर प्रदेश ने भी संकल्प लिया है, खेल और खिलाड़ियों के लिए हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर गांव में खेल का मैदान होगा, हर मैदान के साथ एक ओपन जिम भी होगा। हर गांव में योग मंगल दल और महिला मंगल दल को हम लोग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाएंगे। और अब तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश में 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हर जनपद में हम लोग स्टेडियम का निर्माण, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और आज परिणाम है देश के अंदर इस सामर्थ्य जहां आगे बढ़ी है, भाइयों बहनों, इस सामर्थ्य का परिणाम है ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक मेडल अब तक जीते हैं। और यही नहीं, एशियन गेम्स में भी आज जो प्रदर्शन भारत का है, पहली बार 100 का आंकड़ा पार कर रही है भारत। यह एक सुखद लक्षण है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का परिणाम आज उसके हम सबके सामने आए हैं। इसके लिए अनेक प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, जिनमें डिप्टी एसपी का पद भी दिया गया है, नायब तहसीलदार का भी पद दिया गया है, और साथ साथ पुलिस में भर्ती की अलग अलग श्रेणी में भी भर्ती की प्रक्रिया को उसको आगे बढ़ाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, 500 नए पद हमारे निकल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे के अंतर्गत। 2% आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है इसमें खिलाड़ियों के लिए, चाहे वह ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप हो, नेशनल गेम्स हो, जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करेगा उसको सरकार सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करेगी और आजीवन उसके भरण पोषण के लिए सपोर्ट भी करेगी। और इसी उद्देश्य से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप सबकी उपस्थिति हम सबको प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नया ताकत देती है। और इसी ताकत के साथ आज हम सब बस्ती जनपद में एक बार फिर से यहाँ पर आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बस्ती आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुंडेरवा के भी हम लोग आ रहे थे, मुंडेरवा चीनी मिल को देख रहे थे, कितने अच्छे ढंग से चीनी मिल चल रही है, किसान खुशहाल हो, नौजवान को रोजगार प्राप्त हो, महिलाओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसी प्रकार के आयोजन हो, तो देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसी संकल्प के साथ आज हम सब बस्ती में आगमन हुए हैं। मैं यहाँ के सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी को, यहाँ के विधायक श्री अजय सिंह जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी को और पूरी टीम को जो इस खेल महाकुंभ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको, जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं, जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उनको बधाई, और जिन्होंने प्रयास किया है और अच्छा प्रयास करेंगे तो अगले बार के सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ अब प्रदेश में भी अलग अलग खेल के लीग प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो रही हैं। ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण लीग प्रतियोगिता खेलकूद के ये प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं।
इनमें आपको भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद।